जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आज का रामायण पाठ देव जस गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर बिहा लिया। इंद्रजीत सन जो कशु कहु सो सब जन पहिले करी रेहु प्रथमी जिन कहूँ आयुष दीना तिन कर चरित सुनु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चय निकल देव परितापी करी उपद्रव असुर निकाया नाना रूप दरी करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। दैसों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जे ही विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करी वेद प्रतिकूला जही जही देश देनु दुज पावी नगर गांव पुर आगे लगावी। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वह स्थान में वह गोर ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतु नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना सपने हूँ सुनी न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था न हरि भक्ति थी न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपन में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग ब्रागा तप मक बागा श्रवण सुनी दस सीसा आपुनु उठी दावी रहे ना पावी दरी सब गाली खिसा अस दष्ट चारा वा संसारा धर्म सुनी न ही काना ते ही बहु विधि तासी दे सनिकासी जो कह वेद पुराना। जब जप जो विराग्य तप और यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो स्वयं उठ दौड़ता कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सब को पकड़ कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति गोर निशाचर जो करी हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापी ही कव निमिति सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी मेरे प्रभु राम जय सिया राम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा ले लंपट पर धन पर दारा मानी मातु पिता नहीं देवा साधु न सन करवाब ही सेवा। प्राय धन और प्राय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। जिनके जे आचरण भवानी ते जानी निश्चर सब प्राणी अतिशय देखी धर्म के गलानी परम सुबित दरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं हे भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों
को राक्षस ही समझना, इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय गलानी देख कर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं बेहकुल हो गई। गिरिसरी सिंधु बार नहीं मोई, जस मोई गरु एक पर दोही, सकल धर्म देखी विपरीता, कही न सकी रावण बेबीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों नदियों समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पद रोही लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से बेभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप दरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि जारी, निज संताप सुनाई सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में भी सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। सूर्य मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, गे विरिंची के लोका संग गोतनु, दारी भूमि बिचारी परम विकल भय सोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु ना बसाई, जा करी ते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए, उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। दरनी दरी मन दीर कै विरिंचि हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु, भंजी दारुन विपति सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ चर बिहारी, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने कहा हे धरती मन में धीरे धर निधारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, जे तुम्हारी कठिन वृत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करी बिचारा, कहां पाए प्रभु करी पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई कहु, कह पे निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठ कर विचार करने लगे कि प्रभु को कहां पाए ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई बैकुंठपुरी को जाने को कहता है और कोई कहता था कि वही प्रभु शीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तही रीति, तही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां सदा उसी की रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, देश काल दिसी विदिशी हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटी जनियागी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वह चराचर में होते हुए भी सबसे रहित और विरक्त हैं, वह प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अग्नि, परंतु यहाँ उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ पे प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्यास भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी, ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बधाई की। सुनी विरिंच मन हर्ष तन, पुल की नैन वे नीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मत दीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ चर बिहारी,
मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। बोल सिया पति राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम।